अम्बेडकर नगर जनपद में तेजी से आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आई फ्लू के मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई फ्लू के मरीज को बाहर से आई फ्लू की आई ड्रॉप लेनी पड़ रही है। हर एक घर में आई फ्लू के केस मौजूद हैं। दिनों दिन आई फ्लू के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आई फ्लू के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिसका खामियाजा आई फ्लू के मरीजों को बाहर से आई फ्लू की दवाएं महंगे रेट पर लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। आई फ्लू के रोकथाम और उनके समुचित इलाज को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जिले में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई फ्लू के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है? विशेष रिपोर्ट अयोध्या मंडल के प्रभारी अमित कुमार मौर्य के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा से खास बातचीत की गई, चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकर नगर श्रीकांत शर्मा जी। आई फ्लू जिले में काफ़ी तेज से बढ़ रहा है, हम इन्हीं से बात करते हैं क्या है पूरा मामला, रोकथाम के लिए क्या तैयारियां हैं। जी सर, जनसेतु टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो है जी, ये अम्बेडकर नगर में फैल रहा है जी। क्योंकि बारिश का मौसम है, इस मौसम में इस तरह की संक्रामक रोग की बीमारियाँ फैलती हैं। ये आई फ्लू जो होता है मोस्टली एक वायरल होता है जी। तो इसमें जो है ये एक दूसरे के पास बैठने से और हाथ का आँख को बार बार मलने से और फिर उससे इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलता है जी। कपड़ों के इस्तेमाल से, जैसे कि रुमाल को आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसी रुमाल से आपने आँख साँप की, वो दूसरे में फैल जाता है। आई कांटेक्ट एक दूसरे से, ये संक्रामक रोग की बीमारी है। हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर और जो आश्रम के बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं, इसके अलावा बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ पर हमने आई फ्लू की सभी दवाइयाँ आई ड्रॉप्स रखी हुई हैं। और साथ ही साथ इसके बचाव के लिए कैसे सुबह उठ के उसको गर्म पानी से धोना है आँख को, और उसको बार बार साफ़ कर आँख को, आँख पर हाथ नहीं लगाना है ज़्यादा, और हाथ लगाते हैं तो उसको ताज़ा पानी से धोना है। ये सब निर्देश दिए गए हैं हमारे सभी चिकित्सा अधीक्षक। हमारे यहाँ पर्याप्त दवाइयाँ आई फ्लू से बचने के लिए सभी पर्याप्त दवाइयाँ हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह सभी हैं और एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी हैं। तो इसके लिए आई फ्लू कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि बहुत घातक हो जी। इस प्रिकॉशन लेने में और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से बचने में और दवाई का उपयोग करने पे जी। और सामुदायिक स्वास्थ्य, अगर कोई किसी को ज़्यादा घर में सबको हो गया है जी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जाकर इसकी दवाई लेने तो ये ठीक हो जाता है जी। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि वो जो है ताज़ा पानी से अपनी आँखों को साफ़ करें और उसमें जो है एक दूसरे से, जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे आँखों आँख एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे इस तरह फैलता है कि जैसे आँखों को टच करेंगे जी। फिर उसी को आप किसी कागज़ पर, किसी रुमाल पर, कपड़े पर या लगा देंगे, उसी कपड़े को दूसरा जैसे कि तौलिए को यूज़ कर लेगा जी। तो उस एक से दूसरे में क्यों फैलती है जी। तो ज़्यादा प्रिकॉशन यही रखें और चश्मा लगाएं धूप से बचने के लिए जी। और आँखों को बार बार ताज़ा पानी से धोते रहें जी। और यही प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्या।